डेंगू का डंक अब राजधानी देहरादून में लगातार कम होता जा रहा है। हाल ही में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ गई थी, लेकिन अब देहरादून में डेंगू स्थिति में काफी सुधार देखने को मिल रहा है। वहीं देहरादून के मुख्य चिकित्सक मनोज उप्रेती ने कहा, हमारे यहाँ डेंगू के 800 केस थे, 351 डेंगू के मरीज ठीक हो चुके हैं। डेंगू के 154 मरीज देहरादून के अलग अलग हॉस्पिटलों में भर्ती हैं। उन्होंने कहा, डेंगू के केस में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। पेशेंट देखने को मिले हैं, तो जिले में कितने पेशेंट हैं या पूरे राज्य की बात करें उत्तराखंड? देखिए, हम तो देहरादून जिले की बात करते हैं, तो देहरादून जिले में इस वर्ष अभी तक अगर हम देखें तो डेंगू के ज़्यादा केसेस दिखाई पड़ रहे हैं कंपैरेटिवली अदर डिस्ट्रिक्ट्स। तो इस समय तक जो है, लगभग हमने जो हमारे पास आंकड़े हैं उसमें करीब 800 केसेस कल तक हो चुके थे, और इसमें से जो हैं 351 केसेस जो हैं वो ठीक भी हो चुके हैं, जिनका रिकॉर्ड हमारे पास है। और इसमें 154 केसेस लगभग जो हैं वो हॉस्पिटल्स में भर्ती हैं अलग अलग, और इसमें कल जो थे 39 केसेस भर्ती हुए थे अस्पतालों में, विभिन्न अस्पतालों में। और जो कल केसेस हमारे पास पॉजिटिव आए थे वो करीब 35 थे। इससे पहले, कुछ दिन पहले तक हमने देखा था कि ये जो केसेस थे, लगभग 72 केसेस भी एक दिन रिकॉर्ड किए गए थे। और ऋषिकेश में हम देख रहे थे कि चंद्रेश्वर नगर और जो चंद्रभागा के आसपास का इलाका है वो बैडली अफेक्टेड था। और देहरादून में अगर देखें शहर में, तो यहाँ पर रिस्पना के आसपास, राजीव नगर, अपर राजीव नगर और उससे लगता हुआ जो नेहरू कॉलोनी वगैरह है, इस इलाके में ज़्यादा केसेस दिखाई पड़ रहे थे। तो पिछले लगभग 4-5 दिनों से हम ये देख रहे हैं कि इन केसेस में कुछ कमी आ रही है, और जो केसेस लगभग 50 से ऊपर जा रहे थे, अब हम देख रहे हैं कि लगभग 30-35 केसेस जो हैं दिखाई पड़ रहे हैं, ये जो कि अच्छी बात है। और इसको देखते हुए हमारे जो नगर निगम से हैं टीम, और हमारे आशा वर्कर्स की जो टीम है, और हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं, ये सब मिल करके कार्य कर रही हैं। और जहाँ जहाँ पर लार्वल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, उन जगहों को चिन्हित किया गया है, और वहाँ पर सबसे ज़्यादा सघन तरीके से काम हो रहा है सोर्स रिडक्शन का। ये लोग वहाँ पर जाते हैं, फॉगिंग का कार्यक्रम होता है, प्लस जो है वहाँ ये लोग ढूंढते हैं कि ऐसी जगह हैं, ऐसे टूटे फूटे बर्तन या और कुछ चीज़ें जिनमें कि ताज़ा पानी, बारिश का पानी जमा हुआ है, जिसमें कि ये लार्वा ग्रो करता है, तो उनको ये सब डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और साथ ही साथ लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि भाई अपने आसपास सफाई का ध्यान रखें और इस तरह से पानी जमा ना होने दें, क्योंकि इसके लिए हमारी टीमें, नगर निगम कितना भी फॉगिंग कर ले या ये लोग सोर्स रिडक्शन के लिए जाएं, लेकिन जब तक कि हम सभी नागरिक इसको सीरियसली नहीं लेंगे और हम स्वयं अपने घर के अंदर की सफाई नहीं करेंगे, तब तक जो है इसको हम बिल्कुल का अच्छी तरीके से इसको दूर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये जो मॉस्किटो है, ये वाला